हे मोस्ट गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड फाइनली जो काफी दिनों से तुम्हारा क्यू एन ए का जो वीडियो तुम्हें को चाहिए था, एंड इस वीडियो में तुमको सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो भी तुम लोगों ने क्यू एन ए में आंसर पूछे थे। तो हमारे साथ हैं हेल्प करने के लिए कैमरामैन जाइकोर, एंड उनका साथ देने के लिए है मॉर्बियस। तो जाइकोर भैया, आप क्वेश्चंस कंटिन्यू करें। पहला क्वेश्चन है N5 का, भाई टीम वर्सेस टीम वाला टूर्नामेंट कब करवाओगे? टीम वर्सेस टीम वाला टूर्नामेंट जो है वो 2000 सब्स के ऊपर करवाएंगे। ओके ठीक है, चलो इनको इनका आंसर मिल गया। नॉट रेक्सी भाई पूछते हैं, मेरे पास वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है पर मैं बस दो क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट, हाउ वाज योर इनकम? सेकंड, फ्यूचर में कोई न्यू गेम पे शिफ्ट करोगे? एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 1.5 के 100 के इज वेरी सून, ग्रो अप एंड सी या। देखो बता तो सकते थे कैसी थी, बट आई नहीं तो अभी बता तो नहीं सकते उसके बारे में कि इनकम कैसी थी। तो और सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, जो रेक्सी भाई का था, फ्यूचर में कोई न्यू गेम ट्राई, मतलब न्यू गेम पे शिफ्ट करोगे? यप करेंगे, तो सिर्फ मेलो खेलेंगे। अच्छा खासा जब इनकम होने लगेगा तब डिवाइस लेंगे और तब जाके शिफ्ट करेंगे, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अब आते हैं हमारे ऋषभ भाई, बोलते फेस रिवील नॉट योर जीएफ फेस रिवील, बाय द वे मेरे को जानते हो? आप कौन? वो मेरे को नहीं पता, बट जीएफ तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। खासिया की माफ करना, जैब भविष्य, ठीक है था भविष्य, ठीक है ये इनका क्वेश्चन है, ब्रो फेस रिवील कब करोगे? आंसर सही बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट, जब भी मेरे पास पीसी होएगा वेबकैम वगैरह के साथ ऑन स्ट्रीम करेंगे। वैसे करने का मूड है नहीं कि इंस्टा का तुम्हें लिंक दे दो, इंस्टाग्राम का आईडी दे दो तुमको, वैसे करने का कोई मतलब है नहीं। तो जब भी पीसी वगैरह होगा तब करेंगे। फिर भी नहीं करेगा मैं बता रहा हूं। चलो अभी ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये इन्होंने बम फोड़ दिया है पूरा, मतलब नहीं इसमें ये तेरा सीवी मांग रहा है एक्चुअली, ठीक है इसका तुम्हारा आधार कार्ड मान है बना हुआ है, बना हुआ। राजिया रेंज भाई का क्वेश्चन है, तुम्हारा एज, बर्थडे, प्लेस यू विजिट, बेस्ट यूट्यूबर, इंस्पिरेशन, बेस्ट पोकेमॉन एंड पीयू, फेवरेट गेम, टूर्नामेंट कब होगा नेक्स्ट, और कौन सा होगा, 1v1 या 5v5? हाँ तो फर्स्ट जो एज है वो मैं 20 इयर्स ओल्ड हूँ, एंड बर्थ डेट है 10 मार्च। बेस्ट प्लेस यू विजिट प्रेम मंदिर, बेस्ट यूट्यूबर जो है स्नैक्स गेमिंग, इंस्पिरेशन जो है MS धोनी, बेस्ट पोकेमॉन जो है ऑल टाइम स्लो ब्रो एंड माइम बोल सकते हो, बेस्ट पोकेमॉन इन यूनाइट। तो मेरे पीओवी से अगर बेस्ट पोकेमॉन तो आई थिंक सो स्लो ब्रो, और फेवरेट गेम BGMI। टूर्नामेंट कब होगा नेक्स्ट? तो टूर्नामेंट का ये सीन है कि जब भी 2000 सब्सक्राइबर होंगे अपने तब कर सकते हैं, बीच में भी हो सकता है अगर कुछ अच्छा खासा अपना चैनल का ग्रो होता है तो। समझ गए, जिस तरह से फोड़े उसी तरह से भी फट गए। तो चलते हैं अलोन तामूर, ठीक है भाई जो भी नाम है, अलोन भाई तुम्हारा क्वेश्चन है जो तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला है, यूनाइट कब से खेल रहे हो? यूनाइट मैं पिछले साल से, आई थिंक सो मार्च या अप्रैल के समथिंग से। अरे नहीं वैसे तो छोड़ो, दूसरा सवाल था आपकी एज के, वो तो बता सकता हूं ऑलरेडी 20। और आपका पवित्र नाम? हां तो ये हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़े नहीं बताना, चलो फिर बाद में रिवील होगा। पानी वाला आज आ गया है, ठीक है ठीक है। उसका क्वेश्चन है, एज नेम माइनक्राफ्ट तो खेलेगा, फुल टाइम यूट्यूब है, पीयू को छोड़कर दूसरे गेम कब खेलेगा लाइफ पे, वाईटी कब छोड़ेगा? देखो पीयू को छोड़ के अपन स्टंबल गाइस वगैरह ट्राई करते हैं, वो तुमको पता है। फुल टाइम यूट्यूबर अभी कुछ फिक्स नहीं है, अगले 1-1.5 साल तक मैं और ट्राई करूंगा, अगर कुछ अच्छा खासा होता है तब जाके परमानेंट इसको रखेंगे। और माइनक्राफ्ट का जो है वो भी दूसरा गेम्स की तरह ही है, जब अच्छा डिवाइस होएगा तब खेलेंगे। और वाईटी कब छोड़ेगा तो आई थिंक सो पिछला जो जवाब दिया मैंने कि 1-1.5 साल में कुछ नहीं होता तो अपने आप छूट जाएगा। अरे टेंशन मत लो, 26 में दुनिया ही खत्म है। नहीं नहीं, जब ये ईकल निंजा के नाम से चिढ़ना बंद कर देगा, मतलब निंजा कोई बुरा बोले तो चिढ़ना बंद कर देगा तब छोड़ देगा। जब ये 100K का एवरेज डैमेज सच में देने लगेगा। ओके स्पाइडरमैन का क्वेश्चन आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ। आपको ट्रूली अच्छा कितने सब्स होने पे लगेगा कि यूट्यूब ज्वाइन करके अच्छा किया?
देखो सब्स का तो पता नहीं, बट जब इतनी इनकम चालू हो जाएगी कि मैं अपने घर वालों को सेटिस्फाई कर पाऊं तो तब तक ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है माउंटेन ड्यू का स्टॉक है, अगर है तो कमेंट में एक रखना मुझे। आए पता नहीं क्या बोला, कुछ तो होगा इसमें। ओके फिर चौथा क्वेश्चन है, आपको टाइफन नाम कहां से मिला? बात है ऐसी, पहले मैं जब BGMI खेलता था, सॉरी पबजी के टाइम का, तब मेरा नाम था DOD ब्लास्टी करके, तो मेरे को एक अलग नाम चाहिए था, वो मेरे को नाम अच्छा लगता नहीं था। तो फिर ऐसे ही मैं कुछ तो ग्रीक मैथोलॉजी के वगैरह के वीडियोस देखता था पहले, पता नहीं क्यों देखता, तो वो मेरे को आज भी नहीं पता। तो उसमें एक मॉन्स्टर जो गॉड ऑफ मॉन्स्टर उसे बोलते हैं टाइफन, तो उसका नाम था, वही नाम मैंने टेप लिया। आगे बढ़े पांचवा क्वेश्चन, फेवरेट गेम यूट्यूबर सॉन्ग। फेवरेट गेम बता ही चुका BGMI, यूट्यूबर है स्नैक्स गेमिंग, एंड सॉन्ग इमीडिएटली कुछ सोचे नहीं है, सोचेंगे कभी इसके बारे में, कोई फेवरेट तो नहीं है फिर घंटा टाइप पे। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है ना, ये बियॉन्डर का है, ठीक है ठीक है, कोई ये इंटरेस्ट है तो पहले तेरी ऑडियंस कैसी बन रही है, जो इसका क्वेश्चन है वो है कितने इंच का है। तो एज सॉरी मतलब इंच का है, एज नहीं। अरे हाँ गलती से बोल दिया मेरे भाई, माफ कर। तो हाइट का मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट और किसी चीज का पूछ रहे हो तो वो तुमसे ज्यादा है। आगे बढ़े आर्यन, वो पूछ रहे तुम्हारा एज कितना। भाई एज बता चुके भाई, थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, एक काम करो। फिर ध्रुव पूछता है, वेर आर यू जिंदा? पूछते हो तो राजस्थान से हूँ मैं। मॉर्बियस थीम सॉन्ग बजाया जाए। हाँ तो मेंबर्स टूर्नामेंट जो है मिनिमम जब 25-30 मेंबर्स होएंगे चैनल पे तब करें। अच्छा फिर से वही सवाल, YT कब छोड़ेगा? बता चुका, पीछे का भी देख सकते हैं। दिव्य जो है वो सवाल पूछते YT जर्नी का स्टार्टिंग एकदम पीछे जा। YT जर्नी देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं 2019 के समथिंग से पबजी खेलना चालू किया था, तो मैं वैसे कुछ भी रिकॉर्ड करता था, कुछ भी डाल देता था तब तो, और वो वीडियोस तुमको भी मिलेंगे नहीं। तो धीरे धीरे जब मैं और ज़्यादा थोड़ा बहुत गेम प्ले आने लगा, जो कि आया नहीं था कभी, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह डालना चालू किया था 2019-20 के समथिंग से, और उसके बाद में फिर बीच में बंद कर दिया था। एंड जब ये क्या बोलते हैं, मेरा BGMI का ई-स्पोर्ट्स करियर छूटा, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू किया था लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर के समथिंग से। गो एडिट का क्वेश्चन है, तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन है? एक नहीं है, मेरे दो फेवरेट पोकेमॉन है, वो है मिस्टर माइम एंड स्लोप्रो। अब हमारे प्रिंसर का क्वेश्चन आता है, YT कब छोड़ेगा? और ये तो चलो बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, सब लड़कियों को बहन बना के खुद के लिए लड़की ढूंढने को बोलना बंद कब करेगा? इसका इसका आंसर एक ही है जो तुम्हें पता है, जब उसकी तरह कोई और मिलेगा। सौरभ गेमर का क्वेश्चन आता है, योर सीक्रेट, चलो आज बता ही दो, बता दो भाई अपना साइड बिजनेस, बता दो आज तुम, बता दो भाई सीक्रेट क्या बताता है वैसे साइड बिजनेस, कुछ भी बताओ लेकिन बताओ भाई, जो सीक्रेट हो, जो किसी को पता ही ना हो, जो किसी को ना पता हो। तो ऐसा सीक्रेट क्या है, ऐसा सीक्रेट एक है, जब मतलब एक दो जनों को पता है वो बात अलग है। जब देखो मैं एक बार जब मैं 12th की कोचिंग वगैरह करता था, देन मैं एक बार गाड़ी से थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा सा क्या 4-5 जन हम गाड़ी पे थे, मैं चला रहा था मोटरसाइकिल, डिसबैलेंस हुई और वो नीचे गिर गई, एंड मेरा पैंट जो है ना वो खून से लथपथ हो गया था। मैंने घर आके सीधा पैंट फेंक दिया, मेरे घर वालों को पता नहीं चला कि मेरे कुछ लगी हुई, वो पैंट का ना कभी मिला और उसमें खून के धब्बे थे, तो इस वजह से मैंने फेंक दिया था। इसके अलावा मेरे आई डोंट थिंक से मेरे पास कुछ ऐसा सीक्रेट है, मैं सब कुछ दोस्तों को बता देता हूँ। मैं कुछ और बोलने वाला था बट वो ज्यादा डार्क हो जाएगी यूट्यूब के लिए, तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है सौरभ भाई का एक और क्वेश्चन आता है, योर मॉम डैड एज एंड नेम? एज यार एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट 45 एंड 50 प्लस आई थिंक सो, जहां तक मुझे पता है।
मतलब अंकल आंटी 50 प्लस है। हाँ आगे करें। चलो DZ26726 इनका सेम तुम्हारा सीवी मांगा है दमन भाई है अपने तुम्हारा सीवी मांगा गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर सीवी मांगी है। नेम एज इंस्पिरेशन बर्थ डेट फेवरेट पोकेमोन बेस्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स वो बेस्ट ये क्वेश्चन स्किप ही करते हैं। बाहर का भी ऐड कर सकते हैं तो इसीलिए बोला। अभी तो तूने बोला कि तेरा स्लोब्रो और माइन फेवरेट है। वो गेम की बात था ना वो गेम का बात था इसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं। बात सिंपल सी बताता हूँ इन गेम की बात की जाए तो स्लोब्रो एंड माइम और ओवरऑल बात की जाए कि एनिमिस मतलब सीरीज वगैरह की पूरी बात की जाए तो एसएस ग्रेनिंजा। हाँ तो मैं अभी वो जो पहले दो क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनको बोलना चाहूंगा तुम्हारा काट दिया इसने वापस यहां तक आओ वीडियो पे पता चलेगा बहुत तेज से काटा है। चलो ट्राइसन भाई का अब एकदम मतलब तुम्हारा आधार कार्ड बनाने के लिए वापस से क्वेश्चन आया है। योर गेमिंग सेटअप योर नेम टाउन स्लैश स्टेट फेवरेट डिश फेवरेट मूवी फेवरेट सॉन्ग एनी जीएफ योर वाईटी स्क्रीन टाइम योर पेरेंट रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट इनकम फाइव बेस्ट फ्रेंड्स नॉट इन गेम। तो गेमिंग सेटअप कुछ नहीं है आईक्यू G5 एक फोन है एक ईयरफोन है और उसके अलावा एक्सटेंशन बोर्ड उसके बाद चार्जर और कुछ नहीं मेरे पास। और योर होम टाउन स्टेट तो ज़्यादा डीप तो बता नहीं सकता। देखो जयपुर के पास एक छोटा सा सिटी है उसके अंदर मैं रहता हूँ एंड स्टेट तो राजस्थान ऑब्वियसली हो गए जयपुर है। तो फेवरेट डिश जो है खीर पूरी आई थिंक सो ज़्यादा मेरे को कुछ बाहर का खाना पसंद नहीं है बाकी रोटी और दही मेरे को सबसे प्यारा लगता है। फेवरेट मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी शायद क्योंकि उस मूवी को जितनी बार भी देखता हूँ मैं कभी बोर नहीं हुआ उससे। एनी GF नॉप योर वाईटी स्क्रीन टाइम पहले जब मैं रेगुलर था पहले अप्रैल से लेके आई थिंक सो अगस्त या फिर सितंबर तक तो तब तुमको पता है 8-10 घंटे का स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम होती थी रोज की रोज का तो वही था 8-10 घंटे वही रहता था स्ट्रीम का रहता था। बाकी अगर तुम मैं चलाता हूँ YT तो उसका भी गिनते हो तो तुम एक दिन का 10-12 घंटे गिन सकते हो। और योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट इनकम तो अभी तक हुई नहीं है YT से बाकी तो कुछ खास था नहीं जो मैंने बताया नहीं घर वालों को। फाइव बेस्ट फ्रेंड्स नॉट इन गेम नॉट इन गेम देन यार फिर से इधर कोई बाहर वाला दोस्त देखेगा YT के मतलब ये छोड़ के तो फिर वही नाराज होंगे। तो मैं फिर भी बोल देता गुलशन नितिन और गणेश और दीपेश तिवारी एंड वन मोर गुलशन। तेरे इतने लोग ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं? हैं हाँ बहुत है मेरे तो ऑफलाइन फ्रेंड्स। चक्कर आ जाएगा भाई। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ जिनका नाम नहीं लिया देख लो सांप पाल रहे थे मिलके कूटना भाई इसको। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ वापस से झा भविष्य ठीक है भविष्य भाई है। हाँ उनका वापस से क्वेश्चन है व्हेन विल यू डू योर फेस रिवील। ऑलरेडी बता चुके हैं सर की पहले ही भाई ना भी डिवाइड करके देख सकते हो। वापस जाओ टाइम नहीं दे रहा बट वापस जाओ पूरा वीडियो वापस करो। यस ओके आगे बढ़े। ऑसम शुभम का क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज द रीजन फॉर बिकमिंग अ गेमिंग क्रिएटर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। लो पिक कर लिया है तो नेम तो अभी रिवील नहीं कर सकते। और व्हाट इज द रीजन फॉर बिकमिंग अ गेमिंग क्रिएटर इसके पीछे रीजन था कि पिछले साल जब मैंने वो छोड़ा था ई स्पोर्ट्स करियर छोड़ा था तो तब भी यही था दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो गेमिंग के जरिए ही कुछ ना कुछ करना है। तो तब ई स्पोर्ट्स को लेकर के आई थिंक सो मैं उतना प्रॉपर इतना अच्छा प्लेयर था नहीं तो बस उसी को लेकर के मैंने ये सोचा कि वाई टी में ही गेम खेल के कुछ कर सकते हैं बस यही था आंसर। रोहित भाई का क्वेश्चन है हुम डू यू लव द मोस्ट एंड व्हाई यू आर नॉट बैड। घर वालों और फैमिली से अलावा अगर किसी को जानता हूँ मैं अच्छे से डीपली तो वो है नितिन। मतलब तू नितिन से मोहब्बत करते अरे भाई नितिन भाई देख लो लक्ष्मण नहीं ठीक नहीं है ठीक है भाई एक नितिन है और एक गुलशन है जो कि बचपन से मेरा दोस्त है।
व्हाई यू आर नॉट बैड तो वो मेरे को नहीं पता भाई, तुम्हें पता नहीं कितना है, छोड़ो भाई। अलोन भाई का फिर से क्वेश्चन हम पिक करेंगे जो है पिंकरीविल का पोकेमोन नेट कब खेलना शुरू किया। अरे इसका आंसर हो गया, छोड़ो यार, ऑलरेडी हो गया भाई अलोन भाई। अभी सरोज जी का क्वेश्चन है कितने जीएफ है, तुम ही बहुत है बट अलग नेशन से है वो, ठीक है वो जरा सा इमेजिनेशन से है, बाकी है तो अनगिनत। हर दूसरी राह चलती लड़की इसकी जीएफ है बट अलग नेशन में। हां पॉइंट टू बी नोटेड। चलो सेकंड क्वेश्चन, फेवरेट पोकेमोन, इसका भी आंसर दे चुके हैं, मैं नहीं पूछ रहा इससे। तीसरा कौन से स्टेट से हो जहाँ पे पानी मांगा जाता है, छोड़ो। और चौथा लेवी प्रिंस टीचर सब सबसे कैसे मिले, लेवी से वाईटी के जज यही मिला था, कुछ तो रेड वेड का सीन था, फर्स्ट शायद उसने मेरे पे रेड की थी आई थिंक, फिर रिटर्न के लिए मैंने उस पे रेड की थी, एंड उसके बाद में प्रिंस उसके थोड़ा बहुत उसके साथ खेलने लगा था, और साथ में प्रिंस के साथ से मोहब्बत हो गया। अरे ठीक है, तो प्रिंस जो है, तो बात ये है कि प्रिंस से मैं BGMI के थ्रू मिला था, ज्यादा डीप बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बस इतना जान लो कि BGMI के थ्रू मिला। पांडा भाई का भी सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस उन्होंने पूछा है प्रिंस, लियो और लेवी, लेवी का बता दिया, प्रिंस का भी बता दिया, लियो का बताओ। लियो का भी वही क्या बोला, एंड अदर्स, एंड अदर्स, हाँ तो अदर्स का तो क्या बताऊँ, और कौन और किस किस का बताया, नहीं देखो अदर्स में आते हैं वैसे तुम्हारी तरफ से अदर्स है, मेरा अदर्स नहीं है, ठीक है, मॉर्बियस है, जाइकोर है, तो ये सबको BGMI के थ्रू मिला। और लियो का जो सीन है वो लेवी के साथ खेलता था, तो लेवी के साथ खेलते खेलते उसके साथ भी खेला था। गेमर साइतामा का क्वेश्चन, यस, यूएस में कहाँ कहाँ गए थे आप, मेरे को पता है आपको क्या आंसर सुनना है, तो बताए देता हूँ, रोना नहीं बस भूपेंद्र जी। चलो बीजी फीफा एडिट का क्वेश्चन है, आपका नेम क्या, नहीं बताना भाई, इसको बताना ही नहीं है, पूछ के फायदा ही नहीं है। हाँ भाई। उसके बाद रील गेमिंग 6392 का क्वेश्चन, कितनी गर्लफ्रेंड, हाँ जीरो, अब बता चुका हूँ, कितनी एक्स गर्लफ्रेंड, जीरो, वो भी उतना ही, ये झूठ ना बोलो, मैं बता रहा हूँ कितनी एक्स गर्लफ्रेंड, छोड़ो आगे चलते हैं। नहीं भाई नहीं, और फोन कब लोगे, फोन आई थिंक सो नेक्स्ट मार्च, मतलब 2024 मार्च। व्हिच स्टैंडर्ड, ग्रेजुएटेड। लाइव स्ट्रीम में कुरकुरे खाना कहाँ करोगे, ये नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे वॉइस से ज्यादा कुरकुरे खाने की आवाज आती है। हाँ वो हो सकता है, क्योंकि देखो मैं बड़ा गरीब इंसान हूँ और मेरे पास टर्निप के अलावा कोई और जरिया है नहीं स्ट्रीम करने का, तो उसमें नॉइस सप्रेशन होता नहीं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता है, माफ करो। तुम बता रहे हो, नहीं वो मुझे नहीं पता, वो तुम जानो। ओके बर्थडे डेट बता चुके हैं 10 मार्च से, फिर भी बता देता एड्रेस दो, ब्याह रचाना है। अरे भाई शादी का रिश्ता भेजना है, बताओ एड्रेस यार, देखो पूरा तो बता नहीं सकता, मैं राजस्थान में रहता हूँ जयपुर के पास में, इतना भी बता दिए। चलो भाई रिश्ता नहीं, पानी वानी भेज देना, ठीक है भाई, पानी भेजो सबसे पहले तुम, रिश्ता बाद में, जरा गूगल पे जाके उदयपुर सर्च करो तब पता लगेगा। अरे तुम चलो मांगोगे, नहीं तू तालाब का पानी पिएगा, बताओ अंकल जी पानी पिला दीजिए, नहीं करेंगे भाई हम, नहीं करेंगे। नॉट रेक्सी 1814 का फिर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पता नहीं, भूपेन जोगी हमें भी नहीं पता, आंसर भी नहीं पता, भूपेन जोगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी जीएफ का नंबर दे दो, 9876543210। ठीक है, कब होगी भाई, इसका भी आंसर दे ही चुके हैं। हाँ दे चुके हैं यार, प्लास्टिक सर्जरी के बाद, दोबारा सुन लो प्लास्टिक सर्जरी के बाद भाई। चलो गाइस होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आप लोगों को आप लोगों को क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल चुके होंगे, अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, उधर आप लोग पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो
प्लीज यार अगर आप लोगों को मजा आया हो, आप लोगों के आंसर मिल चुके हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को. मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.